तो अब देखते हैं हम लोग क्या, अब देखना है परफेक्ट, परफेक्ट हैशिंग। तो परफेक्ट हैशिंग में क्या करेंगे भाई, तो परफेक्ट हैशिंग में जैसे हम लोग पास हैश टेबल था ना, सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी एक हैश टेबल तो होगा, हैश टेबल यहां पर भी ऐसा ही होगा हैश टेबल जैसे पहले हम लोग के पास में था, ठीक है। हैश टेबल ऐसा ही कुछ है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टेबल थोड़ा और बड़ा कर लो, नाइन तक मान लो लेते हैं। चलो हैश टेबल तो कुछ ऐसा ही है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ओपन एड्रेसिंग में क्या किए थे, यहां पर हम लोग स्टोर कर रहे थे डेटा को। चेनिंग में क्या कर रहे थे, बाहर में डेटा एक स्टोर करते थे लिंक लिस्ट बनाकर और यहां पर एड्रेस लेकर आते थे। डबल हैशिंग में क्या करेंगे भाई, डबल हैशिंग में जिस तरीके से एक हैश टेबल है, सेम ऐसा ही एक हैश टेबल यहां भी होगा जिसका एड्रेस की यहां पर रहेगा। यहां पर भी एक हैश टेबल होगा जिसका एड्रेस है यहां पर, देखो एरे है ऐसे। हैश टेबल क्या है, एक तरह का एरे है, एक तरह का एरे ही है, ये भी एक एरे है। इसका बेस एड्रेस यहां रहेगा, इसका बेस एड्रेस इस एरे का यहां रहेगा, फिर यहां पर भी एक एरे होगा जिसका कि बेस एड्रेस, जिसका बेस एड्रेस यहां होगा। सब जगह एक, सब जगह एक एरे होगा, सब जगह हमेशा जितना भी है, जितना भी यहां पर स्लॉट है सब में एक एरे होगा। अगर इसका साइज, इसका साइज अगर एम है तो ये सबका साइज भी एम ही होगा, सबका साइज एम होगा। मतलब कि टोटल स्पेस कितना हो गया, टोटल एम है यहां पर स्लॉट, तो यहां पर भी टोटल एम एरे बन गया ना, यहां पर भी एम एरे बन गया ना, सबका साइज एम है ना, मतलब एम टाइम्स एम स्टोर हो रहा है। मतलब कि टोटल जो साइज हम बोल सकते हैं इसको, साइज इक्वल टू टोटल एम स्क्वायर, साइज इक्वल टू कितना हो गया, एम स्क्वायर हो गया। साइज क्या है, एम स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो बात को। मतलब क्या, ये जो हैश टेबल है, अब यहां पर स्टोर कैसे करेंगे, तो इस टेबल के लिए, इस टेबल में आने के लिए एक रहेगा हैश फंक्शन, एक हैश फंक्शन रहेगा इस टेबल के लिए। क्या है, इस टेबल के लिए एक अलग हैश फंक्शन है, इस टेबल के लिए, इस टेबल के लिए एक अलग हैश फंक्शन है। देखो हैश फंक्शन वन, हैश फंक्शन टू, इसके लिए हैश फंक्शन थ्री, इसके लिए हैश फंक्शन थ्री, इसके लिए हैश फंक्शन फोर, इसके लिए हैश फंक्शन फाइव, बहुत सारा हैश फंक्शन होगा। टोटल कितना होगा, तो यहां पर कितना टेबल ऐसे है, एम है, देखो टोटल एम अगर स्लॉट है, सब स्लॉट में एक एड्रेस स्टोर है, एक एरे का एड्रेस स्टोर किए हैं, तो टोटल एरे इस साइड में कितना है, एम है। तो यहां सबके लिए एक ही हैश फंक्शन चाहिए, तो एम प्लस वन एक हैश फंक्शन, मतलब कि यहां पर टोटल एम प्लस वन हैश फंक्शन, टोटल यहां पर कितना है, टोटल एम प्लस वन हैश फंक्शन रहेगा, समझ रहे हो बात को। तो परफेक्ट हैशिंग में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग, कोलिजन क्या हो रहा था, देखो कोलिजन के टाइम में क्या हो रहा था, मान लो मेरे पास में, मेरे पास में एक नंबर था 45 55 65, ठीक। तो होता क्या, 45 कहां पर आता, 5 वाले में आता, यहां पर लिख लेते पहले 45, फिर 55 ही यहां ही आता, कोलिजन होता, फिर 65 यहां आता, कोलिजन होता, कहीं और जाता। लीनियर प्रोबिंग कर रहे होते तो कहीं और लीनियर मैनर में जाते, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कहीं और जाते, डबल हैशिंग में कहीं और जाते, चेनिंग में चेन बनाकर स्टोर कर लेते, ठीक। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 45 55 65, ये पता है कि सबके सब यहां ही आना है, 5 में ही, मतलब इस वाले एरे में आना है, सबको इस वाले एरे में आना है। मान लो यहां पर जो हैश फंक्शन है, फिर से एक बार इसमें हम एक हैश फंक्शन अप्लाई कर दिए, फिर से हैश फंक्शन अप्लाई कर लिए, कोई और हैश फंक्शन, यहां पर हैश फंक्शन कुछ और था जिससे ये तीनों यहां पर आया है, यहां पर अप्लाई किए, तो मान लो यहां पर 45 यहां चला आया है और
55 यहां चला आया और 65 है जो यहां चला आया। एक और हैश फंक्शन जब आप अप्लाई किए तब हो सकता है पॉसिबल। सिंपल देखो, इसमें अगर हैश फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, मान लो मॉड 7 कर लेते हैं, मान लो इस पूरे का मॉड 7 करते हैं तो कितना आएगा, 7×42 मतलब यहां रिमाइंडर आया 3, 49 यहां रिमाइंडर आया 6, 63 यहां आया 2। अगर मॉड इसका मॉड अगर लेते हैं, मॉड 7 सबका मॉड 7 लेकर देखो, सबका मॉड 7 लेकर देखो, 45 मॉड 7 लेंगे तो 3 आ रहा है, 55 मॉड 7 6 आ रहा है, 65 मॉड 7 2 आ रहा है, तीनों डिफरेंट आ गया ना। मतलब कि ये तो पता है कि मेन हैश टेबल में यहां पर ही ये स्टोर होना था, लेकिन परफेक्ट हैशिंग के वजह से क्या हुआ है कि 45 है जो थर्ड वाले प्लेस में चला गया, 55 है जो सिक्स्थ वाले में चला गया, और 65 है जो सेकेंड वाले में चला गया। अब जब सर्च करना होगा तो डायरेक्टली हम ये तीनों के लिए ही डायरेक्टली फिफ्थ पर आएंगे, उसके बाद इस हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग जो जो स्लॉट है डायरेक्टली वहां ही चले गए, कॉन्स्टेंट टाइम में सर्च हो गया। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, एक हैश फंक्शन में हो सकता है कोलिजन हुआ कहीं ना कहीं, जैसे पहले हो रहा था, जैसे पहले हैशिंग में हो रहा था, एक हैश टेबल है, नया नया की को जब स्टोर कर रहे हैं, कोलिजन हुआ हो रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या आ गया है, जब हम कीज को देख रहे हैं यहां पर, इस केस में क्या आ रहा है कि कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हटाने के लिए एक नया ही हैश फंक्शन यहां पर है, एक और हैश फंक्शन है। और जब सेकंड फंक्शन हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो सेकंड फंक्शन में तीनों का तीन डिफरेंट एड्रेस आ रहा है, तीनों का एड्रेस अलग हो गया। मतलब क्या, यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर हम लोग को इंसर्शन का टाइम है जो बेस्ट केस बोल लो या फिर वर्स्ट केस बोल लो, बेस्ट केस बोलो या वर्स्ट केस बोलो या फिर एवरेज केस बोलो, तीनों ही केस में बिगो वन टाइम में काम चल रहा है। जब इंसर्शन में इतना लग रहा है, जब इंसर्शन में इतना लग रहा है तो सर्चिंग में भी उतना ही लगेगा और डिलीशन में भी इतना ही लगेगा, तीनों का सेम लगना है। मतलब कि बिगो वन टाइम में हम लोग का काम हो गया। बस यही बात तो किए थे स्टार्टिंग में, जब हैशिंग हम पहली बार लिखे थे तो क्या बोले थे, हैशिंग एक सर्चिंग टेक्निक है जिसमें कि हम लोग का टाइम है जो बिगो वन लगता है, यही बात बोले थे ना, यही बात बताए थे ना। तो स्टार्टिंग से हम लोग हैश टेबल में इंसर्ट करना शुरू किए, फिर क्या देखे, जब इंसर्ट कर रहे थे तब कोलिजन आया था, जब इंसर्ट कर रहे थे सबसे स्टार्टिंग में देखे क्या, कोई बहुत बड़ा वैल्यू है उसके लिए बहुत बड़ा टेबल चाहिए, तो टेबल के स्पेस को बचाने के लिए हम लोग नया हैश फंक्शन को इंट्रोड्यूस किए। हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, टेबल तो छोटा में एडजस्ट हो रहा था लेकिन कहीं कहीं कोलिजन आ रहा था। अब कोलिजन को खत्म करने के लिए कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक था अलग अलग, एक ओपन एड्रेसिंग एक चेनिंग का। ओपन एड्रेसिंग में क्या किया, लीनियर प्रोबिंग को देखे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को देखे और डबल हैशिंग को देखे। लीनियर प्रोबिंग में क्या था, प्राइमरी क्लस्टरिंग आ रहा था, उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग आया, डबल हैशिंग में प्राइमरी क्लस्टरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, सेकेंडरी क्लस्टरिंग का बहुत थोड़ा सा पार्ट था, 1% मान लो एक पार्ट था डबल हैशिंग में। उसके बाद चेनिंग में क्या था, चेनिंग हैंडल कर सकता था इनफिनिटी नंबर ऑफ कोलिजंस लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस वहां वेस्टेज हो रहा था, चेनिंग में स्पेस वेस्टेज हो रहा था। इसलिए कोलिजन रिडक्शन टेक्निक को देखने के बाद हम लोग एक और मेथड लाए परफेक्ट हैशिंग का। परफेक्ट हैशिंग में स्पेस टोटल है, जो स्पेस मेरा एम स्क्वायर साइज लगा हुआ है, एम स्क्वायर स्पेस है मतलब कि एम स्क्वायर कीज को स्टोर भी कर सकता है, एम स्क्वायर कीज को स्टोर कर सकता है, और यहां पर जो टाइम लग रहा है बिगो वन टाइम में लगभग हो रहा है। तो सिंपल सोचो, जब के वही गूगल में सर्च करते हैं देखते हैं क्या बहुत जल्दी कोई भी रिजल्ट आता है, तो एक रफली इस टाइप का भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है वहां पर भी, क्योंकि यहां पर देखो यहां भी कॉन्स्टेंट टाइम है, एग्जैक्टली हैशिंग नहीं है लेकिन कुछ इस टाइप का ही टेक्निक यूज हो रहा है वहां पर, कि पहले यहां सर्च कर रहे हैं फिर उसके बाद किसी और टेबल में गए वहां सर्च कर लिए, वहां भी बहुत सारा सर्चिंग रिजल्ट हो रहा है, जैसे ही कुछ
इंटर किए हैं सर्चिंग में, कुछ भी सर्च करना इंटर किए, बहुत अलग अलग जगह सर्च होकर आता है, एक रिजल्ट बनता है, फिर उसमें सर्च होता है, एक रिजल्ट बना, फाइनली आ गया। बस वही काम यहां भी है। एक बार में इस टेबल में सर्चिंग हुआ, एक पार्टिकुलर को देखा, फिर नया टेबल में आया, यहां एक सर्चिंग किया, यहां भी कॉन्स्टेंट टाइम, यहां भी कॉन्स्टेंट टाइम, दो चार कॉन्स्टेंट टाइम मिलकर, दो चार कॉन्स्टेंट टाइम में मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब कि ओवरऑल बिगो वन टाइम में काम हो गया मेरा। तो कॉन्स्टेंट टाइम कितना लगता है कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहा है? कॉन्स्टेंट टाइम बहुत कम होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। कॉन्स्टेंट टाइम है जो मिली सेकेंड में काम हो रहा है। तो मिली सेकेंड तो डायरेक्टली जैसे ही क्लिक मारेंगे ऑब्जर्व होगा हम लोग के आई को, समझ रहे हो? जैसे ही क्लिक करें, जैसे सिंपल देखना, कभी कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेशन करना, 2 × 2 करके जब इक्वल टू करोगे तुरंत में आ जाएगा आंसर। नहीं कोई बहुत बड़ा नंबर लेना डेसिमल का, बहुत बड़ा 3.405985 × 4.043897, इसको मल्टीप्लाई करना, देखना थोड़ा सा लैग करेगा। जब दोनों को ऑब्जर्व करोगे ना, थोड़ा सा टाइम डिले होता है, दोनों ही कांस्टेंट टाइम ले रहा है, टाइम दोनों का ही कांस्टेंट ही ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है, बस वही चीज है। कांस्टेंट ही होगा, बिगो वन टाइम में हो रहा है, लेकिन किसी में हल्का सा ज्यादा टाइम लगे, बस थोड़ा किसी में ज्यादा थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन कांस्टेंट में ही काम हो रहा है, बिगो वन में काम हो रहा है। बस यही इतना है परफेक्ट हैशिंग में। इसके अलावा परफेक्ट हैशिंग में और कुछ नहीं है। इंसर्शन टाइम, डिलीशन टाइम सब कुछ देख लिए हैं। हाँ, एक और चीज है क्या, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोब्स इन अनसक्सेसफुल सर्च ऑफ ओपन एड्रेसिंग। जो ओपन एड्रेसिंग हम लोग देखे थे, ओपन एड्रेसिंग जो देख रहे थे, उसमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोब्स इन अनसक्सेसफुल सर्च इक्वल टू 1/1 - अल्फा। ये क्या है, इन ओपन एड्रेसिंग सर्च, इन ओपन, इन ओपन एड्रेसिंग, जो ओपन एड्रेसिंग टेक्निक में हम लोग यूज कर रहे थे, क्या क्या था, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। वहां पर क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोब्स इन अनसक्सेसफुल सर्च। जब अनसक्सेसफुल सर्च होगा तब 1/1 - अल्फा है, जिसमें कि अल्फा मेरा क्या है, अल्फा क्या है, लोड फैक्टर। अल्फा क्या है, लोड फैक्टर है। अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा था, 0 to 1 जा रहा था ओपन एड्रेसिंग में, और चेनिंग में क्या था, 0 to infinity जा रहा था। लोड फैक्टर कैसे हम लोग देखे थे, नंबर ऑफ कीज अगर n है और मेरा m नंबर ऑफ स्लॉट है, तो n/m है जो, n/m जो आ रहा है वही लोड फैक्टर है, अल्फा का वैल्यू वही है। तो मान लो कहीं अल्फा का वैल्यू नहीं दिया है, नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट्स m दे दिया है और नंबर ऑफ कीज n दे दिया है, कुछ वैल्यू कांस्टेंट दे दिया है, वहां से अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोब्स इन अनसक्सेसफुल सर्च ऑफ ओपन एड्रेसिंग, तो क्या करेंगे, 1/1 - अल्फा। अल्फा का वैल्यू पहले से ही पता है, मतलब क्या हो गया, इसको क्या ले सकते हैं, 1/1 - n/m। अल्फा का वैल्यू यही तो है, अल्फा का वैल्यू n/m ही तो है, तो ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही चीज है। उसके बाद एक और क्या है, सक्सेसफुल सर्च के लिए क्या है, अगर सक्सेसफुल सर्च रहे तो क्या है, 1/α log 1/1 - α। ए किसके लिए है, ए है सक्सेसफुल सर्च के लिए। ए क्या है, सक्सेसफुल सर्च के लिए है, 1/α log 1/1 - α। ए किसके लिए बन गया, लॉग का बेस है जो ई, मान लो बेस ई है यहां पर, 1/α log 1/1 - α बेस ई, ये सक्सेसफुल सर्च के लिए है नंबर ऑफ प्रोब्स। और नंबर ऑफ प्रोब्स अनसक्सेसफुल के लिए ए है, सक्सेसफुल के लिए ए है। मान लो कहीं ऐसा रहे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि एन का वैल्यू कुछ गिवेन है और
एम का वैल्यू कुछ गिवन है और पूछ ले कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोब्स इन अनसक्सेसफुल, तब इसी क्वेश्चन से फाइंड करना है, और सक्सेसफुल का अगर पूछ ले तब इसी क्वेश्चन से फाइंड करना है। अल्फा का जो भी वैल्यू, अल्फा क्या है, एन बाई एम है, एन और एम का वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास में। बस यही इतना हैशिंग है, हैशिंग टॉपिक एकदम कंप्लीट हो गया, इससे अलग कुछ और नहीं पूछेगा। और हैशिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इसमें बताते समय में छोटा छोटा पॉइंट जो बताए हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लग रहा है, कैसा कुछ हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे काउंट करेंगे, प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होता है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या होता है, डबल हैशिंग क्यों बोलते हैं, डबल हैशिंग में कैसा रहता है, हैश फंक्शन कितना होता है, ये सब चीज को याद रखना है। ठीक, समझ लेना, समझ लोगे अच्छे से याद रहेगा। तो अच्छे से नोट्स बना लिए, नोट्स को रिवाइज भी करते रहना, देखते रहना, भूलना नहीं इसको बार बार। ठीक है, ये वन टाइम पढ़ो, दिमाग में रहे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के बाद में, एक कॉन्स्टेंट टाइम में, कुछ दिन के बाद में रिविजन करते रहो, वो चीज माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, ट्री ट्रैवर्सल, ट्री ट्रैवर्सल मतलब क्या है। ट्री ट्रैवर्सल में हम लोग जो देखे हैं पहले, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, कुछ लोग नाम सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे, जो सुने हैं बहुत अच्छा चीज है, जो नहीं सुने हैं और भी अच्छा चीज है, कुछ नहीं जानते हो थोड़ा भी नहीं नॉलेज है, लेकिन जब लेक्चर देखोगे ट्री ट्रैवर्सल के बारे में हर चीज का नॉलेज होगा, 100% गारंटी दे रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्री ट्रैवर्सल, उसमें जो भी टेक्निक है कैसे कैसे यूज करेंगे हर चीज को डिटेल में बताएंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन से लेकर गेट लेवल का सारा क्वेश्चन है, सारा कुछ कवर हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। अभी बस हैशिंग में इतना ही है, हैशिंग वाले पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर जाओ एकदम स्टार्टिंग से, पहला दिन से जब डायरेक्ट एड्रेस टेबल जब हम बताए हैं वहां से लेकर यहां तक को रिवाइज कर लो, जो पहले सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट में मिलते हैं, पढ़ाई करो फिर।